उनके नाम से मतलब मैं शॉक हो गई कि ये क्या दिखा दिया, मतलब मैं पूरा मेरा दिमाग हिल गया देख के। KGF में भी देखो ना, रॉकी भाई के सामने आ गए थे, यश सर के सामने, एंड यहाँ पे भी इतनी सारी स्टार कास्ट है, ध्रुवा सरजा सर है, मोहनलाल सर है, एंड उनके सामने रहेंगे, अब पता नहीं उनका क्या रोल होने वाला है, लेकिन जो भी होगा जबरदस्त होगा, धमाका तो होने ही। एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, केडी द डेविल, जहाँ दोस्तों इसका टीजर कल शाम को आया, मैंने जैसे ही इसका टीजर रिव्यू किया ना अपना खुद का, मेरा तो छोड़ो यार, यहाँ पे कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगे, प्रियंका जी का रिव्यू करो, प्रियंका जी का रिव्यू करो। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट फिलहाल प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कल आप अवेलेबल नहीं थे, तो आपको बता दूँ कि जैसे ही मैंने अपना रिव्यू डाला ना, तो लोग बोलने लगे भाई प्रियंका जी का रिव्यू करो, प्रियंका जी का रिव्यू करो, मतलब कि कर्नाटक इंडस्ट्रीज से जो भी ट्रेलर हो या टीजर हो कुछ भी आते ना, तो सब प्रियंका जी को ही ढूंढते हैं भाई। ऑडियंस मुझसे इतना प्यार जो करते हैं भाई, और सिर्फ प्रियंका जी से प्यार करोगे, मोहब्बत हम भी है यार, हम भी करो, हमें तो भूल ही गए हो आप लोग। खैर जो भी हो, आपने प्रियंका जी को याद किया, समझो कि आपने हमें याद किया, बराबर ही है। चलो अब जानते हैं इनसे कि इनको किस खास तरीके से केडी का टीजर अच्छी लगी है। सबसे पहले तो कनाडा ऑडियंस, आई एम सो सॉरी कि रिएक्शन देने में मैं लेट हो गई, कि टीजर तो कल ही आ गया था, लेकिन कल मैं सच में बहुत बिजी थी तो नहीं रिव्यू दे पाई। आज आई हूँ खास आप लोग के लिए। अब मैं शुरू करती हूँ केडी का जो टीज़र आया उससे। पहली बात कि ये टीज़र तो है नहीं, इट्स जस्ट अ टाइटल अनाउंसमेंट, टाइटल टीज़र बोल सकते हैं, शूटिंग अभी भी बाकी है ऐसा मुझे सोर्सेज से पता चला है। एंड इसकी स्टार कास्ट तो ज़बरदस्त सामने आई है, अब पता नहीं सच है कि रूमर्स है। इसमें ध्रुवा सरजा सर है, संजय दत्त सर है हमारे खलनायक, मोहनलाल सर भी होने वाले हैं ऐसी भी खबर आई है, एंड और भी मल्टी स्टार कास्ट है। लेकिन एक चीज़ तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ज़बरदस्त स्टार कास्ट लेने वाले, मतलब सारे के सारे बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस जिनकी सबसे बोलते ना बेस्ट से भी ऊपर होती है ना, वैसे लोगों लिया है। एंड कनाडा इंडस्ट्री, मतलब सैंडलवुड इंडस्ट्री में आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये क्या लगा रखा है आपने, मतलब क्या क्या करना क्या चाहते हो आप? ऐसा लग रहा है कि बस ये साल के एंड में ना पूरे इंडियन सिनेमा को टेक ओवर करने वाले हो, क्योंकि एक के बाद ब्लॉकबस्टर। मैंने तो उसी दिन ऐसी ही बातों में कह दिया था हिट पुश के ट्रेलर में कि और भी जितने भी बचे वो भी सामने आ जाओ, सीरियसली ले लिए मेरे बात को। बस उसके दो दिन बाद ये टीज़र का अनाउंसमेंट आ गया, वहाँ पर मैं तो बोली कि मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेते वहाँ पर। एनीवेज, खुश हूँ मैं। इसमें ध्रुवा सरजा सर के जो एंट्री की बात करूँ, उनके नाम से मतलब मैं शॉक हो गई कि ये क्या दिखा दिया, मतलब मैं पूरा मेरा दिमाग हिल गया देख के। पहली बार इसका जितना भी वो विजुअल दिखाया पूरा आग में दिखाया है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना, उससे ही पता चल रहा है कि ये मूवी कैसी होने वाली है। मूवी ज़बरदस्त होगी, इसमें एक्टर्स भी ज़बरदस्त है, तो ये बस कंटेंट पे तो पूरा भरोसा है, कंटेंट का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटेंट उनके पास हमेशा टॉप नॉच ही रहता है, तो उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें जो टीजर स्टार्ट होती है संजय दत्त की आवाज़ से स्टार्ट होती है, आपने उसको नोटिस किया? मैंने नोटिस किया, लेकिन मैं शॉक हो गई संजय दत्त सर की आवाज़ में, मतलब वो बोल रहे हैं, मतलब मुझे पहले बिलीव ही नहीं हुआ। लेकिन इतना मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कनाडा ऑडियंस एंड पूरे सैंडलवुड इंडस्ट्री को कि आपने संजय दत्त सर को ये मौका दिया, बिकॉज उनको कोई इतना नहीं पूछता है, लेकिन आपने उनको वो वैल्यू किया है, तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप उनको सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज वो हमारे नंबर वन एक्टर है। ये बात अलग है कि उनका भी बहुत मतलब यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो मैं खुश हूँ इस बात से। एंड बोलते ना, साउथ एक्टर्स के बीच में वो रहेंगे सोने पे, बोलते ना सोने पे सुहागा वाली बात है वो, जिस तरीके से KGF हुआ था। यस, KGF में भी देखो ना, रॉकी भाई के सामने आ गए थे, यश सर के सामने, एंड यहाँ पे भी इतनी सारी स्टार कास्ट है, ध्रुवा सरजा सर है, मोहनलाल सर है, एंड उनके सामने रहेंगे, अब पता नहीं उनका क्या रोल होने वाला है, लेकिन जो भी होगा ज़बरदस्त होगा, धमाका तो होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसका, ना ही कोई अभी कुछ डेट मतलब बोलते ना डेट आ गया 14 अप्रैल आ गया 14 अप्रैल, बट ये सच है कि रूमर्स है वो कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पे ये पिक बता रहा है कि 14 अप्रैल को आएगी, जिस डेट में KGF आई थी, तो पता नहीं, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर आए तो, लेकिन जो भी होगा बस अब इसी का इंतजार है कि क्या होगा। कनाडा इंडस्ट्री से तूफान और आ रहा है, तूफान इससे तूफान से याद आया कि आपको शायद याद नहीं है कि कब्जा भी आ रही है, कब्जा तो बाद में आ रही है, लेकिन फिर भी आप देखो ये भी जो केडी का जो ये अनाउंसमेंट आया वो भी एक गैंगस्टर के ऊपर है, कब्जा भी गैंगस्टर के ऊपर है, हाल ही में हेडबुश मतलब आज रिलीज हो रही है हेडबुश, वो भी एक गैंगस्टर के ऊपर है, माफिया अंडरवर्ल्ड जो भी उनको बोलते, मतलब एक के बाद एक ऐसी ऐसी स्टोरी ला रहे हैं ना कि बस पब्लिक को खींच रहे हैं वो अपनी तरफ। मतलब हम जो बॉलीवुड को ऊपर लाना चाहते हैं ना,
वो भी बोलते हैं ना कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, कन्नड़ा इंडस्ट्री टेक ओवर कर रही है। सो पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आगे, बस इतना ही बोलूँगी हम वेट करेंगे अभी आगे की और मूवीज़ के लिए। सैंडलवुड इंडस्ट्री आपकी जय हो, सच में मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ पे आके उन सबको मिलूँ एंड थैंक यू बोलूँ कि हमें इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। क्या बात है, सच में। चलिए अगर इस जो नाम टीजर था, अगर इसको रेटिंग देना हो टीजर को, इनके लुक वगैरह को, तो आप कितना दोगे? रेटिंग देने से पहले ना मैंने कुछ मतलब मुझे पता चला कि इनके डायरेक्टर जो प्रेम नाम के हैं उनके ऊपर पता नहीं कुछ चर्चा हो रही है कि ही इज़ नॉट अ गुड डायरेक्टर, उनको प्रमोट मत करो, इनकी इनको सपोर्ट मत करो, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो क्यों हो रहा है। मुझे हाल ही में पता चला कि उन्होंने काफ़ी एक्टर्स को रिजेक्ट किया था, बड़े बड़े एक्टर्स को, लेकिन क्यों किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानती। सो कन्नड़ ऑडियंस, अगर आप इस बात को जानते हो तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, कि क्या सच्चाई है, बिकॉज पता नहीं क्यों ये बातें सामने आ रही है एंड हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में कि क्या था पास्ट में। अगर आप कुछ जानते हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी इस टाइटल टीज़र को मैं दूंगी 4 out of 5, बिकॉज अभी फ़िलहाल कुछ हमें पता नहीं है। 1 star में काट रही हूँ कि उनका जो एंट्री शॉट था ना, वो मुझे बोलते ना बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में लगा, कुछ ज़्यादा ही स्लो मोशन में कर दिया था तो, लेकिन ओवरऑल में बोले तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है टीज़र। लेकिन वेट करेगी इसका अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट, अभी वो टीज़र कौन सा होगा या ट्रेलर होगा वो देखेगी, बाकी बात है वो। एंड संजय दत्त के परफॉर्मेंस के लिए हम वेट करें, उनकी झलक के लिए हम वेट करें, तो प्लीज़ उनको जल्दी सामने से लाना, हमसे वेट नहीं हो रहा है। और एंड ऑडियंस में आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने केडी का जो टीज़र नहीं देखा है हिंदी ऑडियंस, तो उसको देख लो, उसमें हमारे संजय दत्त सर की आवाज़ है, सुन लो उनको। एंड कन्नड़ा ऑडियंस में आपको पूछना चाहूँगी, आपने तो देख ही लिया है, आपको कितना पसंद है वो तो मुझे पता चल ही गया, तब जाके आपने मुझे इतना डिमांड किया तो मुझे सुबह सुबह यहाँ पे आना पड़ा। सो मुझे पता है आपको बहुत पसंद आ गया है, सो मेरा कंटेंट, मेरा रिएक्शन कैसा पसंद आया आप मुझे कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए। एंड और कुछ चीज़ें जो आप मुझे बताना चाहते हो इस मूवी के बारे में, कुछ भी जो आपको कुछ पता चले इन्फॉर्मेशन, कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचा सकते हो। सो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड आपको पता ही है क्या करना है, बेल आइकन दबाना ताकि सब जगह पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटरनी वर्ल्ड।